आज हम लोग ज्योग्राफी में वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी से अपनी वो सीरीज स्टार्ट करेंगे और वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी से वी आर गोना स्टार्ट आवर टॉपिक, राइट। क्लाइमेटोलॉजी में बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी होती हैं जो डायरेक्टली क्लाइमेट से रिलेटेड होती है। उसमें आपको एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर पढ़ना होता है, कुछ बेसिक चीजें होती हैं जैसे प्रेशर बेल्ट हो गई या फिर हवाओं की दिशाएं कैसी होती हैं, विंड डायरेक्शन किस तरीके से है, कोरियोलिस फोर्स से लेकर ईस्टरली वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम मॉनसून ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन्स, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन जो पहले के दो या तीन के लेक्चर्स रहेंगे क्लाइमेटोलॉजी के, उसमें हम लोग बेसिक्स जो है अपने क्लाइमेटोलॉजी के स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आज का जो लेक्चर रहने वाला है हमारा, दैट इज गोना बी एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर। जिस तरीके से अर्थ के अंदर का इंटीरियर स्ट्रक्चर होता है उसी तरीके से एटमॉस्फेयर का भी स्ट्रक्चर होता है। बस फर्क इतना है कि अर्थ के स्ट्रक्चर में हम लोग डेप्थ में जाते हैं, लेकिन क्लाइमेटोलॉजी में जब हम लोग एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाई करते हैं तो हम सरफेस के ऊपर की बात करते हैं, राइट। सो अगर आप यहां पर देख सकते हैं तो एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर को मैंने यहां पर 0 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक यहां पर डिवाइड किया है। सो जब भी हम लोग स्ट्रक्चर की बात करेंगे सो व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन इज कि मान लीजिए ये 0 किलोमीटर है जहां पर आप लोग इस वक्त खड़े हैं, तो 0 किलोमीटर से हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हवा की तरफ जा रहे हैं, एटमॉस्फेयर की तरफ जा रहे हैं और हम लोग स्ट्रक्चर जो है डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 0 किलोमीटर से लेके ऑन एन एवरेज 16-17 किलोमीटर तक की जो हाइट होती है उसे हम लोग ट्रोपोस्फियर के नाम से जानते हैं। ये जो 16-17 किलोमीटर की हाइट है ये आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग प्रिंटेड मटेरियल नोट्स में अलग अलग हाइट देखने को मिल सकती है। उसका रीजन ये है कि जो ट्रोपोस्फियर है उसकी हाइट हर जगह एक जैसी नहीं होती है। जैसे जैसे हमारा लैटिट्यूड चेंज होता जाता है ट्रोपोस्फियर की हाइट भी चेंज होती जाती है। ये जो मैंने आपको 16 या 17 किलोमीटर की हाइट यहां पर लिखाई है, ये 16 या 17 किलोमीटर की जो हाइट है ट्रोपोस्फियर की, ये हाईएस्ट हाइट है, यानी कि इक्वेटर पर है। तो इक्वेटर पे अगर आप खड़े हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड पे अगर आप खड़े हैं तो बेसिकली जो ट्रोपोस्फियर है उसकी हाइट सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर होते जाते हैं, पोलर साइड की तरफ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इक्वेटर पे हैं 0 डिग्री पे, अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ गए तो ट्रोपोस्फियर की हाइट थोड़ी सी कम हो जाएगी, टेम्परेट लैटिट्यूड्स की तरफ आ गए तो थोड़ी सी और कम हो जाएगी, और पोलर जोन की तरफ चले गए तो और ज्यादा कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल वी कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस कि ये जो ट्रोपोस्फियर की हाइट है इक्वेटर पे सबसे ज्यादा है, और अगर आप ट्रोपोस्फियर से दूर होते जाते हैं पोल्स की तरफ जाते हैं तो जो ट्रोपोस्फियर है उसकी हाइट कम होती जाती है। अगर सबसे कम हाइट अगर आपको ट्रोपोस्फियर की देखनी है तो पोलर जोन पे आपको 6 किलोमीटर के आसपास मिलेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका जो ट्रोपोस्फियर होता है उसमें जितने भी बेसिक फिनोमिना, सबसे इंपॉर्टेंट आपको फिनोमिना मिलते हैं वो आपको ट्रोपोस्फियर में ही मिलते हैं, चाहे क्लाउड फॉर्मेशन हो, बारिश होना हो, साइक्लोन होना हो, प्रेसिपिटेशन हो, ये सारी की सारी चीजें आपको कहां मिलेंगी, आपको सिर्फ ट्रोपोस्फियर में ही मिलेंगी, ठीक। यू नीड टू रिमेंबर दिस। इसके अलावा एवरेज टेम्परेचर जो है अर्थ का वो तो हमको पता ही है 15.2 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ट्रोपोस्फियर में आप जैसे ही 1 किलोमीटर ऊपर की तरफ जाते हैं, when you go 1 किलोमीटर अबव द सरफेस आपका जो टेम्परेचर है वो 6.5 डिग्री ऑन एन एवरेज कम हो जाता है। इसीलिए पहाड़ों पर जब हम जाते हैं तो हमें बर्फ मिलती है, क्योंकि मान लीजिए कि कोई माउंटेन है, कोई हिल है, उसकी हाइट जो है वो 5 किलोमीटर है, ऑब्वियसली 0 किलोमीटर से 5 किलोमीटर ऊपर की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो 1 किलोमीटर जाने पे 6.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो ऑन एन एवरेज कम हो जाता है। तो 5 किलोमीटर अगर आप ऊपर जाते हैं तो करीबन करीबन 32 या 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है, और एट द एंड ऑफ द डे वो माइनस में आ जाता है। इसलिए आपको पहाड़ों पे, हिल्स पर बर्फ देखी हुई आपको आपने देखी होगी। जब हम 16 से 17 किलोमीटर का जो रेंज है उसको क्रॉस करके हम लोग और ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमें यहां पर स्ट्रेटोस्फीयर देखने को मिलता है। स्ट्रेटोस्फीयर जो होता है वो 50 किलोमीटर की हाइट तक आपको देखने को मिलेगा। ओजोन लेयर के बारे में हम सभी को पता है, सूर्य की जो हानिकारक किरणें होती हैं, जो हार्मफुल रेजेस होती हैं, ओजोन लेयर उसको अर्थ के सरफेस तक पहुंचने से बचाता है। तो जो ओजोन लेयर है जिसे हम लोग O3 कहते हैं, वो जो ओजोन लेयर है वो भी आपको स्ट्रेटोस्फीयर में ही देखने को मिलेगी। ओजोन लेयर की जो बेसिकली डिमार्केशन है वो आपको 35 किलोमीटर पे देखने को मिलेगा, एंड स्ट्रेटोस्फीयर आपको 50 किलोमीटर तक देखने को मिलेगा, राइट। लेकिन यहां पर ट्रोपोस्फियर से आपको कुछ ऑपोजिट देखने को मिलता है, वो ये देखने को मिलता है कि स्ट्रेटोस्फियर में अगर आप 1 किलोमीटर ऊपर की तरफ जाते हो तो 6.5 डिग्री टेम्परेचर ऑन एन एवरेज कम नहीं होता है बल्कि बढ़ जाता है। सीधी सी बात है, बहुत लॉजिकल रीजन है इसका,
वो ये है कि अगर आप स्ट्रेटोस्फीयर में देखते हैं तो जो सनरेज हैं उनको अब्सॉर्ब करने के लिए ओजोन लेयर वहां पर अवेलेबल है। तो ओजोन लेयर जो है अगर सनरेज अब्सॉर्ब करता है तो सीधी सी बात है वहां पे आसपास का जो माहौल होगा एटमॉस्फेयर होगा वो गर्म हो जाएगा। इसीलिए स्ट्रेटोस्फीयर में अगर 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं हम लोग तो टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। जब हम लोग क्लाइमेटोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे तो ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर ये दो लेयर्स हैं जिनके बारे में हमें सबसे ज्यादा पढ़ना होगा। हमारी कोई भी क्लाइमेटोलॉजी की थ्योरी क्यों ना हो स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर के बारे में ही सबसे ज्यादा कनेक्टेड आपको कंसेप्ट देखने को मिलेंगे। अब हम लोग अगर स्ट्रेटोस्फीयर को क्रॉस करके और ऊपर की तरफ जाते हैं सो वील सी कि मेसोस्फीयर जो है वो आपको 80 किलोमीटर की हाइट पे देखने को मिलता है। मेसोस्फीयर में अगर हम लोग जाते हैं तो फिर से टेम्परेचर कम होने लगता है। सिंपल सा रीजन है क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर अवेलेबल थी और मेसोस्फीयर में ऐसी कोई लेयर अवेलेबल नहीं है जो सन रेज को अब्सॉर्ब कर सके। राइट देन अगर हम लोग इसके और ऊपर जाते हैं तो 640 किलोमीटर तक हमें यहां पर आइनोस्फीयर मिलता है। अब ये जो आपका आइनोस्फीयर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है डी लेयर ई लेयर एंड थर्मोस्फीयर। सो 80 किलोमीटर से लेकर 99 किलोमीटर की रेंज में आपको आपकी डी लेयर मिलती है, 99 से 133 किलोमीटर की रेंज पे आपको ई लेयर मिलती है एंड देन 133 से लेकर 640 किलोमीटर तक आपको थर्मोस्फीयर देखने को मिलता है। इन तीनों लेयर्स को जब हम साथ में पढ़ते हैं तो वो आइनोस्फीयर कहलाता है क्योंकि बहुत सारे आयन्स आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। अब एक और सीधी सी बात यहां पर है कि यहां पर आपको दो लेयर्स दिख रही हैं तो ये जो दो लेयर्स हैं ये भी तो ओजोन लेयर की तरह थोड़ी बहुत सनरेज अब्सॉर्ब करेंगी ही। शॉर्ट रेजेस मीडियम रेजेस लार्ज रेजेस ये अब्सॉर्ब भी करती हैं और ये रिफ्लेक्ट भी करती हैं। इस वजह से इस जो जोन का टेम्परेचर है वो बढ़ता भी है। तो 1 किलोमीटर यहां पर आप ऊपर जाएंगे तो ऑन एन एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाएगा एंड देन फाइनली जब हम लोग अपनी लास्ट लेयर पे जाते हैं तो वो 10,000 किलोमीटर की होती है। 10,000 किलोमीटर की रेंज में अगर आप देखते हैं तो आपको एग्जॉस्फियर देखने को मिलता है। एग्जॉस्फियर में बेसिकली आप अर्थ के एटमोस्फियर से बाहर चले जाते हैं और आपका स्पेस शुरू हो जाता है। एग्जॉस्फियर के बारे में हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ाई नहीं करते, एक और अलग तरीके की ज्योग्राफी होती है जिसे हम लोग स्पेस ज्योग्राफी या एस्ट्रोनॉमी ज्योग्राफी कहते हैं, उसके बारे में एक अलग से पढ़ाई होगी जिसमें हम लोग प्लैनेट्स या फिर जितनी भी हमारी गैलेक्सी है हमारा जो यूनिवर्स है स्टार्स हैं उनके बारे में हमें पढ़ना होता। सो ये आपका एक इंट्रोडक्शन वीडियो था क्लाइमेटोलॉजी का। अब इसके बाद हमारी जो अगली वीडियोस होंगी वो वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग क्लाइमेट की ही अवेलेबल करेंगे। सो अगर आपको इसी तरीके के और वीडियोस देखने हैं यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।